ऐसा लग रहा है कि धरती से बाहर आ गए किसी दूसरे प्लेनेट पे। यहाँ का टेम्परेचर जो है 54 से लेके 58 डिग्री तक कभी कभी चला जाता है गर्मी के समय पे। दुनिया की सबसे गर्म जगह में रहने वाले बच्चे यार 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में भाई फुटबॉल खेल रहे हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक मानी जाती है भाई। कुछ था प्लेस इन इंडिया। हेलो गाइज, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यार इस समय मैं हूँ इथोपिया की अफार रीजन की कैपिटल समेरा में। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं हरार में था। हरार से मैंने एक फ्लाइट ली आदिस अबाबा के लिए और फिर आदिस अबाबा से समेरा की फ्लाइट ली। तो दो फ्लाइट लेके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोज में ना मैं दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस दानाकली डिप्रेशन को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो भाई ये जगह इतनी स्पेशल है कि यहाँ की स्टडी करके ना साइंटिस्ट लोग ये पता लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जो लाइफ है ना वो किस तरीके की लगेगी। और ये जगह दुनिया की सबसे लोएस्ट जगह में से एक है, मतलब ये सी लेवल से भी 100 मीटर नीचे है। और इतनी गर्म हो सकती है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ना 50 से 55 डिग्री तक आराम से पहुंच जाता है गर्मियों के दिनों में। तो इस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक सॉल्ट माइनिंग की लेक है, कुछ लावाज हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि हम लोग देखेंगे। इन जगहों को देख के ना शायद आपको लगेगा भी नहीं कि भाई ये जो है ना इस दुनिया का पार्ट है। ये इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना एलियन जगह लगती है। ये दुनिया के सबसे रिमोट रीजंस में से एक माना जाता है। तो यार इतनी डेंजरस और इतनी आइसोलेटेड प्लेस है तो भाई वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अकेले तो जा नहीं सकते बैकपैकिंग करने। तो उसके लिए ना भाई यहाँ से जो है ग्रुप ट्रिप जाता है। तो एक गाड़ी में 5-6 लोग होते हैं जिसमें आपके साथ एक कुक चलता है, आपका एक ड्राइवर चलता है, एक गाइड चलता है, एक स्काउट चलता है जिसको मतलब टफ सिचुएशंस में लोगों को कैसे संभालना है उसकी आदत होती है। तो एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस ट्रिप पे आज मैं निकलने वाला हूँ। अभी बजे है सुबह के 6:30। तो यार मैं कल समेरा में पहुंच के ना इस रूम में रुका हुआ था। ये देखो ये रूम है भाई, इसमें एक डबल बेड दिया हुआ है और ये नीचे कुछ ऐसी बैठने के लिए जगह है और यहाँ पे एसी है, टीवी है और बाथरूम है जिसमें कि पानी आ रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि इथोपिया के अंदर ये चीज मिल पाना ना बड़ा मुश्किल है यार। ये जो रूम है मुझे पड़ा है 1300 बीर का। 1300 बीर मतलब अगर ब्लैक मार्केट के प्राइस की बात करूँ तो $13 होता है और अगर आप ऑफिशियल रेट की बात करोगे ना तो $26 होगा भाई। और यार अगले दो दिन जो है ना हम लोग होटल में नहीं रुकने वाले हैं भाई, पूरा बाहर कैंपिंग करेंगे क्योंकि बहुत ही रिमोट जगहों पे जा रहे हैं हम लोग। शायद वहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क से भी बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। और भाई ये जो है ना ये गाड़ी में हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो रास्ते हैं ना ख़राब मिलने वाले हैं हमें क्योंकि हम रोड्स में नहीं चलेंगे, बिल्कुल डेजर्ट के बीच में से जाएंगे। तो इस तरीके से ना 4x4 में हम लोग जाएंगे इसमें। और इधर ना भाई पीछे सामान रेडी हो रहा है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, हाउ यू? Good morning. Good morning, bro. Good morning. How are you? And ये देखो यार. We have watermelon. Wow. We can see what we are having for the trip. So we have watermelon here. Okay. तरबूज वगैरह ले जा रहे हैं. We have eggs here. Eggs. Okay. Special place for egg. Egg special bag for egg. Yeah. We also have water. Wow. Ice box for water. Water and drinks. Rice, huh? Yes. So we have all the food lined up here, huh? In all of the car we have this. Yeah. तो भाई इस तरीके से ना देखो आप हर गाड़ी के अंदर ना सामान रखा हुआ है खाने पीने का क्योंकि 2-3 दिन तक हम ऐसे रिमोट जगहों पे रहेंगे जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। Yes. Vegetable. Put it here to wow. Fresh. Wow. और देखो यार सब्जी वगैरह भी ले जा रहे हैं, खाना वगैरह ना सारा बनेगा वहीं। ये देखो यार पानी वगैरह, वी विल लोड मोर फूड हियर, राइट? मोर फूड, वी विल लोड मोर फूड। कार, हाँ, वी डिस्ट्रीब्यूट। और क्रू कार इज इन हाफ। ये सोलोमन है और ये भी हमारे साथ सोलोमन यार। तो हम लोग ना साथ में जाने वाले हैं यार और ये गाड़ियों में ना पूरा एकदम खाने पीने का सामान जो है लोड कर चुके हैं। और इसके अलावा भाई इसमें ना अभी एक गाड़ी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है जिसमें ना कैंपिंग इक्विपमेंट वगैरह है। रात को सोने का कैसे जुगाड़ होगा वो सारा, वो लोग एक दिन पहले पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड ब्रो। तो इस तरीके से भाई लोड हो चुकी है गाड़ी और 5 मिनट पे हम लोग यहाँ पे लीव कर देंगे भाई इस प्लेस को। आप समझ सकते हो कि कैसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब खाने पीने का पूरा 3 दिन का जुगाड़ है और जो यार कैंपिंग इक्विपमेंट है वो सब ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। हमारे साथ अभी एक कुक भी ज्वाइन करेगा, एक गाइड भी करेगा, स्काउट भी करेगा, मतलब बहुत सारे लोग ना इस ट्रिप में जाने वाले हैं। तो यार अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ है ब्रदर, आई फॉरगॉट योर नेम, कील सिस। सो ही इज सिस और ये हमारे ड्राइवर है, योर ड्राइवर। यस। तो ये हमारे ड्राइवर है इस टूर में। हाउ आर यू ब्रदर?
I'm good. Are you ready to go? I am ready to go. तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह काफी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है. अभी हम लोग ना ब्रेकफास्ट करेंगे and we have some more people to join in, right? Yes. तो अभी कुछ लोग और गाड़ी में यहाँ ना आएंगे, मतलब कुछ और लोग ट्रिप ज्वाइन करने वाले हैं. वो अभी यहाँ पे लैंड भी नहीं करे हैं, तो लगभग 2 घंटे बाद वो लोग आएंगे. अभी हम लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग निकलेंगे भाई घूमने के लिए यहाँ पे. और भाई एक लोकल जगह पे हम लोग ना नाश्ता करने के लिए आए हैं यहाँ पे. ये सामने देख सकते हो छोटे छोटे से ढाबे हैं यहाँ पे. यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना यार नाश्ता बाहर ही करते हैं, मतलब इथोपिया पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है. इवन मतलब घर पे नाश्ता नहीं करते, बाहर नाश्ता करते हैं ये लोग, इनको शौक है अलग ही. और भाई ये है एक ढाबा, आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल लोग वगैरह बैठे हुए हैं. यहाँ बिल्लियाँ घूमती रहती हैं भाई. और ये जो है ना ये हमारा नाश्ता आ चुका है, स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं, ये ब्रेड है भाई. यू आर आवर ड्राइवर और कुक? ड्राइवर. एंड व्हाट्स योर नेम? विनी. विनी. सो भाई ये हमारे ड्राइवर है. ये विनी भाई ड्राइवर है, बहुत फन है एंड ही नोज हिंदी सॉन्ग्स वेरी वेल. कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ था प्लेस इन इंडिया. इंडिया इज गुड प्लेस. या यू लाइक इंडियन मूवीज? हां या टू मच मोर चैंपियंस इन movie in India. Your favorite is Shahrukh Khan. Yeah, come on in Ethiopia. Come on, you go in Ertale, Dalol, everywhere. Come on in everywhere in Ethiopia. Yeah, we go. Yes, he's our chef. Cook chef. He's our chef. And what's your name? Messi. Yeah, my name is Messi. Lionel Messi. Footballer? Yeah, no. Head of our ship. Head of our ship. Wow, wow. We coordinate the ships. Wow. So yeah, look at you. Oh, nice. This is break time. Not in this trip, he's joining. This trip is coordinating. We have ships. Ah, we already cool, sent the cool. ship in advance. Cool, good, good. I hope they make good Indian food. this. यस थैंक यू. तो अभी हम लोग यार यहाँ पे एयरपोर्ट जा रहे हैं, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है. वहाँ से कुछ और जो है ना ट्रेवलर्स उनको पिक करेंगे. अभी यार 7 बज चुके हैं, बहुत ही तेज़ धूप हो चुकी है यार इधर. ये सब मेरा टाउन है भाई, छोटा सा टाउन है, ज़्यादा मतलब डेवलप्ड वगैरह तो नहीं है. कैपिटल है ये अफार रीजन की. और भाई ये है समारा का एयरपोर्ट. भाई बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है भाई, बस स्टैंड जैसा ही है ये कुछ समझ लो. इसके अंदर ना बैगेज वाली जो वो होती है ना बेल्ट, वो भी नहीं है भाई. तो यहाँ क्या होता है, जैसे आप उतरते हो तो एक बड़ी सी गाड़ी में वो सामान लेके बाहर आते हैं, फिर अपना बोर्डिंग पास दिखाते हो और फिर वो आपको यहाँ पे सामान देते हैं भाई. ज्यादातर जो लोग हैं ना यहाँ पे फॉरेन से आते हैं जो, वो ज्यादातर भाई ये ट्रिप करने ही आते हैं. आप देखो सब 4x4 ही लगी हुई है, आप पार्किंग में भी देखोगे ज्यादातर. तो अलग अलग यहाँ पे जो टूर कंपनीज है ना उनके लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनके क्लाइंट आने वाले हैं. लोग फ्लाइट से लैंड करेंगे तो उनको पिक करके फिर लोग ट्रिप स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो मेनली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना भाई इस ट्रिप का, दानाकली का, वो होता है समीरा एयरपोर्ट से. तो अगर आप इथोपिया में कहीं भी हैं तो आपको समीरा आना पड़ेगा और फिर यहाँ से जो है ना ट्रिप स्टार्ट होगा आपका. काफी कंपनीज जो होती है ना इसमें ये लोग ना फ्लाइट प्राइसेस वगैरह इंक्लूड करके आपको पैकेज देते हैं. तो उसमें आपका आदिस से समारा की फ्लाइट होती है और समारा से आदिस जो है ना वापस जाने की भी फ्लाइट होती है. तो भाई वो हमने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है और दोनों साइड केवल डेजर्ट है. मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हम लोग ड्राइव करेंगे यहाँ पे. भाई कोई ना दिक्कत रहती है अभी भी यहाँ पे, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इस चक्कर में यहाँ पे जगह जगह पे ना चेक पॉइंट है पूरे इथोपिया में. आप जहाँ भी घूमने जाओगे इस तरीके से चेक पॉइंट बने हुए हैं. ये लोग देखते हैं कि भाई गाड़ी में कोई मतलब ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है. यहाँ पे अफार डेजर्ट में अफार ट्राइब रहती है जो कि इस तरीके से रहती है, आप देख सकते हो. तो इतनी गर्मी में भाई ये लोग खुले आसमान के नीचे इस तरीके के घरों में सरवाइव करते हैं. ये लोग ना ऊंट बकरी वगैरह पालते हैं और उसका दूध बेच के जो है अपना काम चलाते हैं भाई. बहुत बढ़िया लेक लग रही है सामने यार, नमकीन पानी की लेक है ये. 40 मीटर के आसपास की इसकी जो है ना डेप्थ है. इथोपिया में जितना भी सॉल्ट आता है ना वो मैक्सिमम यहीं से आता है. यहाँ पे जबरदस्त एकदम गरम गरम हवा चल रही है भाई. एक तरीके से लू चलती है ना, बहुत ही गंदी वाली लू, वैसी लू चल रही है आज यहाँ पे. नीचे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे एक विलेज भी पड़ता है, उस विलेज का नाम भी अब दे रही है. तो यहाँ पे जो एक माउंटेन है उसी के नाम पे इस लेक का नाम भी है और विलेज का नाम भी है. तो यहाँ पे जो है ना नमक वगैरह लोग निकालते हैं, वही एक तरीके से यहाँ का जो है ना इनकम सोर्स है. क्योंकि यहाँ पे पूरा डेजर्ट है यार, यहाँ पे कुछ सब्जी वब्जी उगती नहीं है, खाना पीना कुछ होता नहीं है ज़्यादा. जो भी इनकी लाइफ है वो सब कैमल और गोट्स पे डिपेंड करती है. वो जो आपको सामने टिप दिखाई दे रही है ना वो है यहाँ का अवदेरा माउंटेन, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है.
और वो यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ये जो पूरा जो दानाकली डिप्रेशन का इलाका है ना भाई, वो एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने की वजह से क्रिएट हुआ है। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो लगभग हर साल 1 सेंटीमीटर के आसपास दूर होती जा रही है। उससे क्या होता है, ये गैप क्रिएट हो जाता है। पूरा इलाका जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है ना दानाकली डिप्रेशन का, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ है। दुनिया की सबसे गर्म जगह कही जाती है भाई, और फील भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये सब नमक है। ये देखो लेक के आसपास इस तरीके से यहाँ पे नमक बनता है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आइस होती है ना, आइस की तरह लग रहा है एकदम। नमक के इस तरीके से फील्ड है ना ये, 2-3 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ भाई। अब 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं लंच के लिए। यहाँ पे लोकल ढाबा टाइप का है भाई, यहाँ पे लंच होगा। देखो सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं ना घूमने हमारे साथ ट्रिप पे, सब यही खाना खाएंगे। Yeah, Ben. My name is Vishal. What is your name? Bilal Ahmed. Where do you live? Bol. I don't have. Where is the shop? बच्चे यार फुटबॉल खरीदने के लिए बोल रहे हैं। Where is the shop? ये देखो यार, इस तरीके का थोड़ा सा ना टाउन है बाहर। ये है भाई जो है ना, ये विलेज है इधर सॉल्ट लेक के पास। वेयर देयर? ओके okay. ये देखो यार बच्चे, ये देखो यार बच्चे हाथ पकड़ ले रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वेयर इज द शॉप? शॉप का है? हाय, यस, हाँ, फुटबॉल प्ले। गिव मी, ये देखो, यार बच्चों को देखो, गुड ओ केक। ये देखो यार फुटबॉल चल रहा है भाई, दुनिया की सबसे गर्म जगह में रहने वाले बच्चे यार गर्मी में 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में भाई फुटबॉल खेल रहे हैं। इस टाउन में ना ज़्यादा कुछ है नहीं यार, कि ये टूरिस्ट वगैरह के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, और ये ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं। यहाँ पास में आपको दिखाया था ना मैंने कि सॉल्ट माइनिंग होती है, तो वहाँ से जो नमक बनता है ना, वो इन ट्रक्स में इथोपिया के अलग अलग पार्ट्स में ना लेके जाते हैं यार। आप देखो होटल्स भी कैसे बने हुए हैं, केवल टीन की छतें हैं इस पे, इसके ऊपर ये कारपेट वगैरह लगा रखी है। काफ़ी रिमोट और आइसोलेटेड एरिया है भाई, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। सब कुछ जो है ना एकदम बंजर टाइप का है। लोग ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, पानी ले लेके आ रहे हैं भाई कंधों पे दूर दूर से। ये बकरी का दूध है भाई, एक बोतल में भर के मेन सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, वहाँ पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की यार यहाँ पे लाइफ है। और यहाँ का पहनावा ओढ़ावा ना आपको मैं दिखाऊँ तो, जो वुमेन है ना तो इस टाइप की होती है, उस टाइप का गाउन पहनती है, उसके ऊपर मुस्लिम है तो ये ना बुरका वगैरह पहनते हैं। तो जैसे हमारे साउथ इंडिया में लोग लुंगी वगैरह पहनते हैं, वैसे ये लोग भी लुंगी पहनते हैं। सलाम, गुड, हाउ यू ब्रो? गुड ब्रदर, गुड, आई एम फाइन ब्रो, नाइस टू मीट यू। माय नेम इज विशाल, योर नेम? मैं ओमर। सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम ब्रो? ओमर। माय नेम इज विशाल, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, यस। यू नो इंडिया? यू नो इंडिया? नो, यू डोंट नो इंडिया? नो, आई डू नॉट नो इंडिया। आह, ओके ओके ओके। यू लिव हियर? यू लिव हियर? या, far away, the volcano area. Oh, volcano area. Yeah. What do you do? I'm a student. Yeah. And what do you study? English. Yeah, your English is very good brother Omar. Okay. Nice, keep it up. Thank you. Keep it up brother. Thank you very keep it up brother. Or nice belt brother, nice belt. I like this. Arun, ye log yaar lungi ke upar belt lagate hain, very nice. Salam. Salam, nice to meet you. फुटबॉल, वेयर इज कुकीज? हाँ कम, बच्चे यार कुकीज़ के पीछे पड़े हुए थे तो इन्हें कुकीज़ थोड़ी सी दिला देता हूँ यार, सोच रहा हूँ। यस, ओके ओके, कुकीज़। इनकी यार देखो शर्टें भी यार फूल के फटी हुई पहनते हैं यार, ये देखो। गुड, हाफ हाफ, हाउ मच? ओके बाय, ओके बाय। व्हाट्स योर नेम? सादिया। योर सिस्टर? तस्लीमा। सिस्टर? हाँ, ओके ओके। ये सब एकदम लावा लग रहा है भाई, एकदम लावा कहते हैं ना, ब्लैक लावा की तरह। और देखो आप पूरा जो ग्राउंड है वो कैसा दिख रहा है सामने से यार, भाई क्या लैंडस्केप है, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी। और ये तो पूरे रास्ते में भाई इस तरीके की जगहें हमें देखने को मिली।
चलिए हम भाई। ऐसा लग रहा है कि धरती से बाहर आ गए किसी दूसरे प्लेनेट पे। अभी हमारी गाड़ी इसलिए रुकी हुई है, बंदे को थोड़ा सा ना मोशन सिकनेस टाइप की हो रही है। ये जो इलाका है ये ऐसा यार इतना अजीब और इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ इतना गंदा रास्ता है, मैं आपको क्या बताऊं यार। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यार, मैं सही बता रहा हूँ आपको, लगभग 47-48 डिग्री के आसपास फील हो रहा है अभी यहाँ पे। आपको मैंने ये दिखाया ना पूरा लैंडस्केप, ये काले काले कलर के चट्टान से पत्थर वाला पूरा जो इलाका है उसके बीच से ही हम लोग जा रहे हैं। पूरी रोड है ना एकदम टूटी फूटी है भाई, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, इधर दूर दूर तक कोई यहाँ पे है नहीं, ना बंदा है ना बंदे की जात है भाई। अगर कुछ यहाँ पे हो जाता है ना तो भाई भगवान ही मालिक है। यहाँ तो ये है कि 3-4 गाड़ियां हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादा एडवेंचरस बंदा आ जाए ना अकेले यहाँ पे तो भाई दिक्कत हो जाएगी उसको। 4x4 की जो गाड़ियां होती है ना यही सही रहती है भाई इसमें, ऐसे इलाकों में बहुत ही ज्यादा टफ रास्ता है भाई। ये ऐसे रास्तों में जो है ना अपना रास्ता याद रखना भी बड़ा मुश्किल है। एक नॉर्मल ड्राइवर तो यार जो यहाँ पे पहली बार आएगा वो तो भटक ही जाएगा 100%। कई जगह मोड़ आते हैं तो नहीं समझ में आता कि कहाँ मोड़ो यहाँ पे। और वही सबसे ज्यादा अजीब चीज है कि ऐसे ऐसे जगहों पे भी इन लोगों ने घर बना रखे हैं यार। ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे घर बना के यहाँ जानवर वगैरह रखते हैं, मतलब इस पूरे इलाके में कई जगह मेरे को इस तरीके के झोपड़े दिखाई दिए यार। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है यार। मैंने अभी आपको दिखाया था ब्लैक कलर के पत्थरों वाला पूरा लैंडस्केप था, और अभी आप यहाँ पे देखो सैंड ड्यून्स हो गए पूरे। इतना ज्यादा वेरिएशन है लैंडस्केप में कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। पूरे डेजर्ट के बीच से हम लोग जाएंगे यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लैंडस्केप है यार पूरे रास्ते में, मतलब अभी तक मैं देख चुका हूँ 3-4 तरीके के, और ये और भी ज़्यादा चेंज होगा। अभी मैं आपको आगे जाऊँगा ना स्ट्रिप में तो और सारी अजीब अजीब सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ भी देखो बच्चे, ऐसे डेजर्ट में भी बच्चे रह रहे हैं भाई एकदम। ये भाई बिल्कुल भी जो है ना आसान जगह नहीं है, दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक मानी जाती है भाई। उसके बावजूद जो है ना यहाँ पे भाई लाइफ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं भाई। देखो यार अब हम बिल्कुल एकदम पता नहीं डेजर्ट से बिल्कुल बीच में आ गए। अभी यहाँ पे मिट्टी विट्टी सी है और मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा हमने वहाँ से। हर एक किलोमीटर में आधे किलोमीटर में ना बिल्कुल जो है ना पूरा लैंडस्केप पूरी जगह चेंज हो जाती है इधर। कितने ज़्यादा मुश्किल रास्ते हैं भाई, ये बिल्कुल डेजर्ट के बीच से जा रहे हैं हम लोग। कहाँ कहाँ से भाई गाड़ी निकाल रहे हैं हम, देखो यार। ये देखो भाई यार सॉल्ट वाटर की लेक है पूरी, पूरे आसपास देख सकते हो आप कितना वाइट है, और हम लोग इसे गाड़ी से ही क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और इधर घूमेंगे भाई। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे स्नो वगैरह गिरी हो यहाँ पे। मैक्सिमम लेक जो है ना वो जमी हुई है, बाकी थोड़ी सी लिक्विड है जो हम पीछे से क्रॉस कर गए हैं। देखो कितनी खूबसूरत जगह ये है, पूरे चारों तरफ आपको सैंड डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। ये एक्चुअल में लेक है, इसको कहते हैं असाले लेक, और ये पूरी जो है ना नमक की लेक है। आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि स्नो पड़ी हुई है, लेकिन भाई ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है। और अगर आप यहाँ पे दिन में आओगे ना तो यहाँ का टेम्परेचर 54 से 55 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, और इस चक्कर में ये जगह है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन भाई शाम का समय है तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, गर्मी काफ़ी कम है इस समय, और भाई व्यूज़ जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी। मैं अभी तक बहुत जगह गया हूँ भाई दुनिया में और कई जगहों ने मुझे वाव किया है, लेकिन ये जगह जो है ना आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सच बता रहा हूँ। और आज सुबह से भाई इतने तरीके के लैंडस्केप देखे हैं ना मैंने यहाँ पे जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और भाई ये जो लेक है ना ये पूरे एरिया में लगभग 200 किलोमीटर तक फैली है, तो 200 किलोमीटर तक आप किसी भी साइड पे जाओगे तो इस तरीके से आपको ये वाइट लेक दिखाई देगी, और बीच बीच में ना यहाँ पे कहीं कहीं पानी भी है। आप देखो यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे ना नमक की माइनिंग होती है इधर जो है ना दोपहर के समय, दिन के समय बहुत सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि अफार डेजर्ट के आसपास रहते हैं वो अपने कैमल्स में आते हैं और यहाँ से नमक की माइनिंग करके 200 किलोमीटर तक कैमल के साथ पैदल सफर तय करते हैं, और जो नमक है ना वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे दिन के समय आओगे ना तो इतना ज़्यादा गर्म होती है ये जगह, यहाँ का टेम्परेचर जो है 54 से लेकर 58 डिग्री तक कभी कभी चला जाता है गर्मी के समय पर। और नेट जियो के अनुसार ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगहों में से एक है, जहाँ का क्लाइमेट ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन
इस समय जो है ना बिल्कुल धूप नहीं है, शाम का समय है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सामने सनसेट होने वाला है, आप देखो सनसेट। दुनिया में कहीं घूमो ना घूमो और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में एक बार दानाकली डिप्रेशन ज़रूर आना चाहिए। और अभी तो यार इस जगह की भाई ये शुरुआत है, कल भी पूरे दिन हमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एक एक्टिव वोल्केनो देखेंगे, एसिड वाली लेक देखेंगे, भाई न जाने क्या क्या हम लोग देखेंगे भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे रात के समय सॉल्ट माइनिंग चल रही है भाई, देखो इतने सारे लोग सॉल्ट माइनिंग कर रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये भाई आसपास के रीजन में रहने वाले अफार ट्राइब के लोग हैं। इनका मेन काम यही है भाई, या तो ये कैमल वगैरह चराते हैं, नहीं तो ये सॉल्ट माइन करते हैं इस लेक पे जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी। अब ये क्या करते हैं, इस ग्राउंड में ना पहले से थोड़ा सा निशान बना देते हैं, निशान मतलब एक बड़े बड़े ब्लॉक बना देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक खुदाई करनी है। उसके बाद उसको खोद के निकालते हैं और उसके बाद इस तरीके से आप देखो लकड़ी के डंडे डाल डाल के उसको ऊपर की तरफ करते हैं और उसके बाद उसको ना चौकोर चौकोर पीस में डिवाइड करके फिर इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ से कैमल्स में लाद के ना ये पास में एक प्राइवेट कंपनीज है उनको बेच देते हैं, या फिर क्या होता है कि इनके कईयों के खुद के भी अपने छोटे छोटे ना साल्ट के जो है ना वो होते हैं ग्राउंड, तो वहाँ पे ये लोग सॉल्ट वगैरह बनाते हैं और वो कंपनी को बेच देते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से रात के समय काम कर रहे हैं।